बताएं कि ये लेटर जो है, लेटर क्या होता है? व्हाट इज लेटर? व्हाट इज लेटर? हाँ जी, लेटर क्या होता है? बड़े बेसिक से लेके चल रहा हूँ, फिर एडवांस पे आएंगे। पहले पता तो क्या क्या चीजें हैं। लेटर किसे कहते हैं? सर, लेटर का तो बस इतना ही पता है, ABC। अगर उर्दू में चले इंग्लिश क्या लेटर कहते हैं लेटर को? हुरूफ सर, लफ्ज नहीं, हुरूफ, नहीं, हुरूफ हर्फ आएगा। हाँ आपस में लड़ लो के क्या कहेंगे, लफ्ज कहेंगे या हर्फ कहेंगे? हर्फ कहेंगे सर, हर्फ। हर्फ। उर्दू में लेटर को कहेंगे हर्फ। कौन से होते जी हैं, कौन कौन से होते हैं हर्फ? अलिफ बापा मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। ABCD ABC लेटर्स। हर्फ वो होते हैं जो किसी चीज की लफ्ज या लेटर वो होते हैं जो किसी चीज का साउंड प्रोड्यूस करे ना, जिस स्पेसिफिक चीज का साउंड प्रोड्यूस करे उसको हर्फ कहते हैं। एम आई राइट? या लेटर वही होता है, दोस प्रोड्यूस साउंड, स्पेसिफिक साउंड, ऐसा होता है? बोर तो नहीं हो रहे? नो सर, नो सर। तो अब लेटर कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में हमारे? ए बी टू टाइप्स ऑफ लेटर्स है, कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स। नहीं, अभी उस पे नहीं आता, ए बी सी डी वट एवर। ठीक है, ये लेटर हो गया पहले कंसेप्ट। यस सर, जी ओके सर। एंड देन ग्रुप ऑफ लेटर आर कॉल्ड वर्ड्स। वर्ड्स। अब इसको उर्दू में क्या कहेंगे? लफ्ज। अब इसको क्या बोलेंगे? लेट्स सपोज ये अब ये एक लफ्ज बन गया। अच्छा जी, देन व्हाट इज अल्फाबेट? सर अल्फाबेट और लेटर एक ही चीज है। ठीक है, चलो कंसेप्ट क्लियर है आपका। अब हम आते हैं कि अल्फाबेट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? अल्फाबेट्स और वर्ड्स कितनी टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। क्या क्या टाइप्स होती हैं? वोवल्स, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, अब मुझे ये बताएं वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? अगर मैं पूछूं व्हाट इज वोवल एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट, ये नहीं बताएगा कि सर ये होते हैं, मुझे ये बताएगा कि वो होते क्या है, इसमें क्या फर्क होता है, क्यों होते हैं, मुझे ये बताएगा। जी शाबाश सर, ज्यादा नहीं पता, मेरे ख्याल में एक वोकल और नॉन वोकल की बात है इसमें। कोई और बच्चा? डिपेंड करता है, कुछ साउंड्स पे भी डिपेंड करता है कि वोवल्स हैं या कंसोनेंट है। अच्छा जी, साउंड कैसा होना चाहिए? सर कुछ लेटर कंसोनेंट वैसे दिखने में तो होते हैं लेकिन उनकी साउंड पे डिपेंड करता है, तो वो वोवल्स की साउंड देते हैं। अच्छा, तो साउंड कैसा होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। जब हम वॉवल्स के बात करेंगे तो जो वॉवल्स का साउंड होगा वो हमारे गले से विद रिस्ट्रिक्शन निकलेगा, मतलब उस जो ईयर फ्लो होगा लंग्स के गले से, वो इतनी कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी, आराम से निकलेगा। क्या है? ए ई आई ओ यू। अब कॉन्सोनेंट्स का क्या साउंड होता है सर? उससे जबान मतलब ऐसे लिप्स टच होते हैं एक दूसरे के साथ। जी तो ये फर्क है। अब वॉवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं इंग्लिश में? ए सॉरी कॉन्सोनेंट्स मैंने पूछा, वॉवल्स टोटल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं? फाइव, ए आई ओ ओ, ए आई ई ओ यू,
और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं आपके टोटल, कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 है ना? जी सर, 26। बाकी जो बच्चे वो कॉन्सोनेंट्स हुए, एम आई जी राइट? यस सर। जी सर, 21 कॉन्सोनेंट है, 5 जो है वो वॉवल। अच्छा, अब आते हैं हम, मैंने एक ये चीज लिखी है, व्हाट इज दिस, इसको आइडेंटिफाई करें, क्या होगा? बुक बुक होगा क्या? सर, मतलब अभी कंसोनेंट इवॉल्व अल्फाबेट और कर कौन, रहे हैं, अल्फाबेट और कॉन्सोनेंट कंसोनेंट पे नहीं देखा, सिर्फ इसमें भाई मुझे बताए ये वर्ड होगा, लेटर होगा, क्या होगा? वर्ड है सर, एक वर्ड वर्ड होगा है। सर, वर्ड। ठीक है। अच्छा, अब एक कंसेप्ट होता है प्रीफिक्स और सफिक्स, जी सर। ये क्या होते हैं? सर जो जिस तरह एक वर्ड के पहले लगा है, जी सर, प्रीफिक्स पहले लगते हैं और सफिक्स और एंड पे लगते सफिक्स जो है हैं, बाहर अब देखो बाद में लगते। हर वर्ड के कुछ रूट वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम प्रीफिक्स लगा के उस वर्ड को एक्सटेंड कर देते हैं या सफिक्स लगा के उस वर्ड को एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, फ्लेवर, तो फ्लेवर के साथ मैं ऐसा क्या वर्ड लगाऊं कि ये वो बन जाए? रिप्ले फ्लेवर लेस मैंने बना दिया ना, इसको लेस मैंने किया ना, तो ये क्या लगा इसके साथ, सफिक्स लगा या प्रीफिक्स लगा? सफिक्स सफिक्स लगे, सफिक्स आएगा अब मैं लिखता हूं एक वर्ड हैप्पी, इसके साथ मैं क्या लगाऊं कि ये प्रीफिक्स बन जाए? अनहैप्पी, अनहैप्पी। अनहैप्पी। ठीक है, गुड हो गया। ये प्रीफिक्स और सफिक्स का कंसेप्ट पता चल गया क्या होता है? अभी मैं यस बेसिक चीजें सर, आपको सिखा रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजीज क्या होती है क्या नहीं होता, ठीक है? सर अब एक वर्ड होता है फरेज, नो व्हाट इज फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? कंप्लीट सेंस नहीं देते, सेंस देते लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते। कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा इसमें, होगा जी सर, सब्जेक्ट, एक होता है फ्रेज एक होता है नो सेंटेंस, सर, फ्रेज और सेंटेंस में क्या फर्क होगा? ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, फ्रेज जब भी होगा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, ये चंक ऑफ सेंटेंस होगा, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट, इट इज अ चंक ऑफ सेंटेंस, ये कंप्लीट पार्ट नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं कह देता हूं ऑन द रोड, हाँ जी कंप्लीट सेंटेंस हुआ, व्हाट इज ऑन द रोड? नो सर, इट नो सर, इज कंप्लीट फ्रेज। सेंटेंस नहीं। अब मैं कहता हूं सेंटेंस वो हो जाएगा जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, क्या हुआ? द जी कार इज ऑन द रोड, अब क्या सर, हुआ, सब्जेक्ट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। फर्क पता चला फ्रेज और सेंटेंस का आपको, समझ आई? जी सर, यस सर। अब मैं लिखता हूं ऑन द टेबल, क्या पता सर एक लगा? बात पूछूं, जी नॉट जी कंप्लीट सेंस, सर, ये हम जो कहते हैं कम एंड लेट्स सब्जेक्ट को, वो भी सेंटेंसेस में आते हैं ना या प्रेज में? वो बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस, उसको सेंटेंस की टाइप है, ठीक है? वो ओके सर, किसी को वो तो मुखातिब प्रेज करके में बोला नहीं आते जाता हैं है, ना? नहीं, फ्रेज में नहीं आता, वो किसी को मुखातिब करके जाता है, जब हम उस पे आएंगे इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है? अभी बेसिक ओके चीजें सर, समझे, अभी कम, अब थोड़ा सा आपने आपको एडवांस नहीं रखे, अभी हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं कि क्या है, अभी हमें कुछ नहीं पता, ठीक है? जी अभी हम सर, नन्हे काके हैं, जी सर, पहले हम बेसिक चीजों को सीखेंगे ना, हमें पहले बेसिक्स को पता हो जो हम गलतियां कर जाते हैं हमेशा, फिर हम एडवांस को छेड़ सकते हैं आराम से, कुछ भी आ जाए। एक्चुअली लोग पता क्या करते हैं, मेरा कराने का मकसद ये है कि बेसिक चीजों को कराने का मकसद ये है कि लोग करते ये हैं कि आपकी जो चीजें होती हैं वो आपको एडवांस लेवल से स्टार्ट करवाते हैं और फिर आ कहते हैं खुद कर लो, जब आपको चीजें बेसिक पता ही नहीं होंगी तो कैसे करोगे आप? जी सर, जी सर, ये बच्चे कहाँ भाग गए, लगता है कुछ पुराने बच्चे थे जिन्होंने पढ़ा हुआ था चीजें। अच्छा जी, अब फ्रेज और सेंटेंस की पता चल गया, अब सेंटेंस में क्या क्या होता है? अब देखो सब्जेक्ट, सेंटेंस के दो ऑब्जेक्ट, पार्ट, वर्ब। नहीं, पहले सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जी सर, एक होता है सब्जेक्ट एक होता है प्रेडिकेट,
यस सर। अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, क्यों बताएगा? सब्जेक्ट वो होगा जो एक्टर होगा, जो जी सर। डूअर होगा, जो और परफॉर्मर सब्जेक्ट के होगा, बारे में जी सर। ठीक है? वो बंदा जिस जो कोई काम कर रहा हो, जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, जिससे कोई काम लिया जा रहा हो, ठीक है, वो सारा सब्जेक्ट होगा। प्रेडिकेट क्या होगा? सर सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जा रही है वो प्रेडिकेट होगा ये इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। जी सर। इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट ऐसा होगा, सब्जेक्ट के जी बारे में जो बात की जा रही हो उसके मुताबिक, या जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, जिसके मुताबिक एक्शन की बात की जा रही हो, वो प्रेडिकेट होगा। जी सर। समथिंग ठीक अबाउट सब्जेक्ट है, अब मैं लिखता हूं, काशिफ इज टीचिंग द क्लास। इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है? सर। जो काशिफ है काशिफ, हमारे पास काशिफ, सब्जेक्ट है और टीचिंग द क्लास जो है सर ये प्रेडिकेट है। टीचिंग द क्लास जी। सर अब मैं सिर्फ इतना बोल देता हूं, सिट डाउन, ये क्या हुआ? प्रेडिकेट सर ये प्रेडिकेट है। ठीक है, आगे मैं लिखता हूं। अभी सर आज हमने इतनी ही चीजें पढ़नी है, इतने से ज्यादा। लेजी ओल्ड मैन रैन वेरी फास्ट। अब क्या हुआ? द लेजी ओल्ड मैन क्या हुआ ये प्रेडिकेट। सब्जेक्ट? द लेजी ओल्ड मैन, ये सर ये मैन आ सब्जेक्ट गया हो ना तो गए। इसमें सब्जेक्ट में आ जाएगा और लास्ट जो रन वेरी रेन फास्ट मेरे पास, ये प्रेडिकेट हो समझ गए। आ रही है ना प्रेडिकेट बात? जी सर। मैं लिखता हूं, द बिग हंग्री ग्रीन क्रोकोडाइल ड्रैग फ्रॉम द रिवर ऑफ बैंक। हाँ जी, अब क्या हुआ? सर बीक से लेकर क्रोकोडाइल तक सब्जेक्ट है और बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारे पास आएगा प्रेडिकेट। समझ आ गई यस सर। बात? क्लियर है? यस सर। द ट्री वॉज कवर्ड विद नीडल्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब क्या हुआ? ट्री ट्री वॉज कवर्ड यहाँ तक वो सब्जेक्ट होगा बाकी प्रेडिकेट प्रेडिकेट होगा सर, द नीडल्स ट्री ओनली जो है वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा। है वास, ये ये द ट्री सब्जेक्ट है, बाकी जो है वो वर्ब प्रेडिकेट है। आएगा मेन वर्ब। बात समझ आई है? जी सर कुछ पल्ले पड़ी है? यस यस सर। सर। चलो मैं फिर सेंटेंस दूं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे अभी बैठ के मेरे सामने, या जी असाइनमेंट सर। दो इस चीज की? सर असाइनमेंट दे दें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जी। असाइनमेंट दूं या प्रैक्टिस अभी करवाऊं? कुछ अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। एक मिनट रुकिए, मैं असाइनमेंट के लिए आपको क्वेश्चन खोल देता हूँ। सिर्फ एक मिनट चाहिए।
हीना एंड सन्ना वैन स्विमिंग, हाँ जी सर हेना और सना जो है सब्जेक्ट है और वेंट स्विमिंग जो है वो प्रेडिकेट सब्जेक्ट है। क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट बताएं। हिना एंड सना हेना अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि अब आप तो भला करें, मोस्ट कॉलेज ऑफर सेवरल कंप्यूटर साइंस कोर्सेस, इसमें प्रेडिकेट क्या है? सर ऊपर सेवरल कंप्यूटर साइंस कोर्सेज, कोर्सेस सेवरल से लेकर कोर्सेज तक सर ऊपर से लेकर लास्ट तक। सर ऑफर वो वर्क में नहीं आ जाएगा आप बताएं अभी आप प्रेडिकेट, लोग। सर प्रेडिकेट में तो आएगा। हाँ सब्जेक्ट में तो हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो मोस्ट कॉलेजेस मेरे ख्याल ये में। सब्जेक्ट हुआ आपका, सिर्फ सर ये ये चीज ओप आपकी प्रेडिकेट है, ठीक है? किधर यस सर गया मेरा? अब आगे चले, क्योंकि यस सर सर जरा ये मुझे समझा दे। सर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, जो एक्शन और डूअर है। कॉलेज ऑफर कर रहे हैं ना, क्या ऑफर कर रहे हैं? सेवरल कंप्यूटर साइंस कोर्सेस, कई सारे जी कंप्यूटर कोर्स जो जिस पे काम किया जा रहा है वो कोर्सेज है ना सर जी। सर एक्चुअली ठीक मेरे ख्याल में ये पूछना चाह रही है कि ये ऑफर जो है वर्ब है ना, है, तो क्या हाँ ये सब्जेक्ट के साथ आएगा या प्रेडिकेट के साथ आ जाएगा? नहीं, ये सब्जेक्ट के साथ, प्रेडिकेट में नहीं होता। जी सर अच्छा जी, द टेनिस टीम वॉन द स्टेट ऑफ चैंपियनशिप, तो सिर्फ सब्जेक्ट बताए मुझे, सब्जेक्ट द टेनिस टीम, द क्या होगा? टेनिस टीम वॉन यहाँ पे वॉन भी आएगा ना, द टेनिस टीम वॉन। वॉन तक आएगा ना? सब्जेक्ट वो होता है जो सिर्फ एक्शन परफॉर्म करे। जी सर यहां तक है ठीक है, और जिस पर किया स्टेट, इस पे कोई प्रैक्टिकल, द स्टेट ऑफ चैंपियनशिप, यस सर जी ये है सर आपका प्रेडिकेट, वो वर्ब है ठीक है। तो सर इस तरह फिर ऑफर भी तो वर्ब था। हमने नहीं लिया ना उसको, वो मैंने उसको गलती से वहां पे कर दिया। ओके सर जब हम किसी चीज के एक्शन के बारे में बता रहे होते हैं वो सारा पार्ट प्रेडिकेट का हो जाएगा, ठीक है? यस सर इसकी मैं आपको लोगों को वो भी दे दूंगा, क्या कहते हैं, असाइनमेंट में, और मजीद अगली क्लास में फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन फर्दर कर दूंगा, ठीक है? ओके, जी सर अब थैंक यहाँ यू तक समझ आ गया? यस सर मैं इसकी असाइनमेंट यस भेजूंगा, तो सर असाइनमेंट आप लोगों को करनी होगी, जो जिसमें गलतियां करोगे फर्दर मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? यस सर ओके सर ओके सर चले इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी है? पाकिस्तान अफेयर की है ना, वो हमारी 2 घंटे की क्लास है, उसको 8 बजे करेंगे, 7 बजे नहीं करेंगे, ठीक है? ओके सर ठीक है सर। वोकेबलरी वाली ओके, क्लास फिर कब होगी? वोकैबुलरी वाली ओके 10 बजे कर लेंगे, वो तो उसका तो सर आज टेस्ट है, वोकैबुलरी वाली ओके क्लास नहीं, आज टेस्ट है उसका। सर ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।